What's up guys, I hope you are doing well. I am VeeR, welcome to Study Lover. देखिए सबसे पहले तो थोड़ी सी बात मैं टेस्ट के बारे में करता हूँ. हम लोगों ने टेस्ट कंडक्ट कराया कल और उस टेस्ट में क्या हुआ, आप लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट भी किया पर लेकिन नंबर जो है वो काफ़ी अच्छे नहीं आ पाए हैं आप लोगों के. वो टेस्ट मेरा देने का पर्पज़ भी यही था. देखिए यहाँ पे लेक्चर सुन के आप लोग शांति में बैठ जाएं, उससे कुछ नहीं होने वाला है. आप लोगों को लेक्चर सुनने के साथ साथ में इसका रिवीजन भी करना है क्योंकि जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर होगा ना, आप लोगों को ये लगेगा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है पर लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे. और यही बहुत से स्टूडेंटों के साथ हुआ है, जिस तरीके से कमेंट देखने को मिल रहे थे कि सर सब कुछ आप लोग आपने क्लास में पढ़ाया था पर लेकिन क्या, लेकिन हम लोग कन्फ्यूज हो रहे थे. तो वो कन्फ्यूजन आप लोगों का तभी जाएगा जब आप लोग रिवीजन कर पाएंगे. इसीलिए मैंने 5 दिन रखे हैं लेक्चर और 2 दिन आप लोग चाहे तो रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से और टेस्ट दे सकते हैं अपना. तो आप लोगों को सारी चीज़ें साथ में लेके चलनी है. रिवीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट पढ़ाई है, तो रिवीजन को पीछे नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में. तो टेस्ट देने से पहले आप उसको एनालाइज करना, कहाँ कहाँ आपकी आपकी कमी हो रही है, कहाँ कहाँ आप लोगों को और ज़्यादा इंप्रूव करना है, और जितने भी लेक्चर पीछे के हो चुके हैं फिर से उनको ढंग से सुनिएगा जिससे कि आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाए. ओके, तो सारे जितने लेक्चर है उसकी प्लेलिस्ट भी आप लोगों को नीचे मिल जाएगी. तो अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो एक ओवरव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, वो एक ओवरव्यू था जिससे अब आने वाले टाइम में जितने भी लेक्चर चलेंगे उससे आप लोगों का एक ओवरव्यू मिल गया. उससे उसमें हमने क्या क्या कवर किया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. सबसे पहला चैप्टर जो था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने कवर किया. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने कंपनी का रूल, जो कंपनी का रूल था 1773 से कितना था 1858 तक, जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस तक था. फिर उसके बाद में क्या आ गया था, उसके बाद आ गया था रूल क्राउन का, जिसको हम मतलब गवर्नमेंट ब्रिटेन का भी रूल बोलते हैं. तो उसका रूल कब से आ गया, फिर 1858 से 1947 तक उसका रूल आ गया. तो ये हमने क्यों पढ़ा, पढ़ तो हम पॉलिटी रहे हैं, इसको पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई थी, इसको इसलिए पढ़ रहे थे हम क्योंकि यही एक ड्यूरेशन है जिसके बीच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इसी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव निकल कर आती है. तो इसलिए हमने ये सारा बैकग्राउंड देखा. यहाँ से आप लोगों को पता चला कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से हमारे यहाँ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनना स्टार्ट हुई, किस तरीके से हमारे मेंबर आना स्टार्ट हुए, जो वाइस राय की काउंसिल थे उसमें मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस हुए, जहाँ से एक नींव पड़ी. तो जो नींव पड़ी वो इसी ड्यूरेशन में पड़ी, तो इसलिए ये हमको पढ़ना पड़ा अच्छे से. तो ये हमने अच्छे से कवर किया. उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर था हमारा वो था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो उस मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या पढ़ा कि कंपोजिशन क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की. उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कौन कौन सी और कमिटीज थी, ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह या और भी कौन कौन सी कमेटी थी, 8 कमेटी और दूसरी छोटी छोटी कमेटियों के बारे में मैंने और आप लोगों को बताया था. तो वे सारी कमेटी और किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्रिटिसिज्म होता है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये बोला जाता है कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है. मैंने आप लोगों को बोला कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये एक रिसर्च बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि हमने किसी भी कंट्री से इसी तरीके से उठा के ऐसे नहीं रख दिया कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी की ऐसी कोई भी लाइन उठा के यहाँ पर डाल दी है. हमने हर एक लाइन अच्छे से पढ़ी है और उसके बाद में जो हमारी जनता के हिसाब से हमारे सिटीजन के हिसाब से हमको लानी चाहिए थी वो लाइनें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखी थी. तो इसलिए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी उसको आप लोगों को नहीं बोलना है. ओके, तो हमारा एक एनालिटिकल और रिसर्च बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन था, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से ऐसे ही उठा के उसको रख लिया. तो ये क्रिटिसिज्म भी निकल के आ रहा था. इसके बाद में जो थर्ड चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसके अंदर हमने देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन है, कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में. इसके अलावा हमने कई सारी और भी चीजें देखी, उसमें क्या था कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट है, किस तरीके से डीपीएसपी है. तो ये जो सारा ओवरव्यू दिया गया आपको ये थर्ड चैप्टर में दिया गया यहां पर. तो ये कंप्लीट प्रोग्राम हम 8-9 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं. वो 9 के 9 लेक्चरों की आप लोगों को नीचे प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा जिससे कि आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सके और जिन्होंने देख लिया वो रिवीजन कर सके, क्योंकि पेपर देने के बाद में आप लोगों को रियलाइज हो गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना. ओके, तो ये तो हो गई बाकी की बात. आज का जो लेक्चर हमारा चल रहा है, ये लेक्चर जो मैं ले रहा हूँ, इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं प्रीएम्बल. ठीक है, तो प्रीएम्बल देखिए ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल इशू रहता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं प्रीएम्बल से. सबसे पहले तो यही आता है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है. दूसरा ये आता है कि प्रीएम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं. तो इस तरीके के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे मतलब क्वेश्चन आते हैं. इसके बाद में ये भी आता है कि कौन सा अमेंडमेंट के तहत प्रीएम्बल को अमेंड किया गया था. तो वो सारे जो भी बातें हैं वो सारे कई सारे 2-3 केस भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के तहत, जिसके तहत एक वैलिडिटी निकल के आई प्रीएम्बल की. तो ये पूरा ओवरव्यू आप लोगों का इस लेक्चर में चलने वाला है. ओके, तो इस लेक्चर को देखते हैं आगे आगे जिस तरीके से लेक्चर चलेगा आप लोगों के माइंड में क्लियरिटी बनती जाएगी कि आखिर में ये प्रीएम्बल है क्या. ओके, तो सबसे पहले तो देखिए प्रीएम्बल के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है. जिस तरीके से अगर मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊं, ये हमारा प्रीएम्बल है. तो प्रीएम्बल में हमेशा देखिए ये लाइन लिखी हुई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया.
तो ये प्रियम्बल में लाइन लिखी गई है, तो ये लाइन जो लिखी गई है प्रियम्बल के स्टार्टिंग में ही, ये लाइन आप लोगों से कई बार तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि कहां से उठाई गई है इस तरीके की लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइन ली गई है ये ली गई है यूनाइटेड नेशन के चार्टर से, यूएन चार्टर। तो आप लोगों को ये याद रखना है, यूएन चार्टर से ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है पास्ट में, और यूएन चार्टर किसके बेस पे है ये भी पूछा जा चुका है। तो वो है यूएसए के, जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले प्रीएम्बल यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में आया था। तो यूएन चार्टर है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, और हमारा जो प्रीएम्बल है, यूएसए का जो प्रीएम्बल है वो सबसे पहला प्रीएम्बल है, उसके बाद में यूएन का चार्टर यूएसए के प्रीएम्बल के बेस पे है, और हमारा प्रीएम्बल यूएन के चार्टर के बेस पर है। तो अगर क्वेश्चन आए तो हमारा यूएन के चार्टर के बेस पर है, सबसे पहले तो आप लोगों को यही बात रखनी है याद, ठीक है। तो ये हमारा प्रीएम्बल है, और सबसे पहले आप लोगों से ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोग देखिए, प्रीएम्बल है तो कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें है क्या। तो कम से कम रटना नहीं है, पर लेकिन जो इसके वर्ड है, जैसे सोवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया, तो आप लोगों को एक बार इसको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल है, इसको कम मतलब दो तीन बार इसको आंखों में से निकालना है, रटना नहीं है सारा। कम से कम जो ये वर्ड है, इन वर्डिंग का आप लोगों को पता होना चाहिए, ये वर्ड डायरेक्ट इंटरव्यू में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनका कम से कम आप लोगों को पता ही होना चाहिए। जस्टिस कितने तरीके की दे रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो ये सब बातें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे आप लोगों को एक दो बार इसको उठाकर पढ़ना चाहिए, पर लेकिन बाकी की जो बातें हैं वो मैं आप लोगों की अच्छे से क्लियर करके चलूंगा, कोई भी एक भी सिंगल डाउट आपके माइंड में नहीं छोड़ूंगा रिलेटेड टू प्रीएम्बल। पर फिर भी आप लोगों को तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों की जगह आकर पढ़ सकूं, तो आप लोगों को भी फोकस देकर चलना ही पड़ेगा, ओके। तो आगे देखिए, पहले एक बार देख लेते हैं, फिर यहां पर भी आता हूं घूम के, पहले एक बार स्टार्टिंग का देखते हैं हम लोग। एक तो सबसे पहली बात यही होगी, अगर कोई भी हमारा जो प्रीएम्बल उठा के देखता है तो मतलब वो ये बोलता है वाओ कितना अच्छा प्रीएम्बल लिखा गया है, क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट तरीके का प्रीएम्बल लिखा गया है। अगर कोई भी इस प्रीएम्बल को उठाकर पढ़ता है तो उससे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक जिस्ट मिल जाता है कि इसमें है क्या आखिर, तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है किस बेस पे, मतलब क्या क्या उसके प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब किस तरीके का प्रोविजन हो सकता है। वही कहते हैं ना आप लोग, जैसे पेपर में भी आता है कि एक प्रीसाइज दो, तो जो प्रीसाइज राइटिंग होती है वो इसी तरीके से बताई जाती है कि कम से कम ये पता चल जाए कि आखिर इसमें अंदर है क्या, ओके, तो एक जिस्ट मिल जाता है वो। तो इसी तरीके से यहां पर भी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक जिस्ट देखने को मिलता है कि सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो ये सारे वर्डों के मैं आप लोगों को मीनिंग भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यहां पर ये बातें बोली जाती है, तो हमारा जो प्रीएम्बल है वो सबसे बेस्ट प्रीएम्बल बोला जाता है वर्ल्ड का। तो ये आप लोगों को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा प्रीएम्बल है तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ओके। इसके बाद में हम थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये एक तरीके से समरी भी बोली जाती है, इसे सार कॉन्स्टिट्यूशन का बोला जाता है, इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए स्टार्टिंग में रखा गया क्योंकि ये प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे पहला जो था, इस तरीके क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं खासकर एसएससी और बैंकिंग में, कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का ये पूछा जाता है कि सबसे पहले प्रीएम्बल किसका कॉन्स्टिट्यूशन का था। तो सबसे पहले किसका था, वो था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, बट हमारा प्रीएम्बल जो है वो यूएन चार्टर के बेस पे है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन है वो आप लोगों को देखिए, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वैसे पहले भी कवर कर चुका हूं मैं, पर लेकिन फिर से आप लोगों का रिविजन हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो ड्राफ्ट किया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, ठीक है। तो डेट तो खैर याद रख सकते हैं आप लोग, कई बार डेट भी पूछ ली जाती है फैक्चुअल मैचिंग करने के लिए आ जाती है। तो December 13, 1946, ठीक है ना, तो ये डेट हो गई यहाँ पर। और जो अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, वो कब किया गया था, वो देखिए 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। इसके बाद में अमेंड किया गया, इसको अमेंड कब किया गया, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1976 में इसको अमेंड किया गया है, और तीन वर्ड ऐड किए गए, ये तीन वर्ड भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड यहां पर ऐड किए गए हैं। तो अब थोड़ा सा आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी हिस्ट्री बताता हूं कि क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सी इससे रिलेटेड रही है। यहां पर जो बात कर रहे हैं हम, देखिए यहां पर कुछ केस दे रखे हैं प्रीएम्बल से रिलेटेड, तो प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है, ये कॉन्ट्रोवर्सी थी उस टाइम पर। तो ये क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में केस चले जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद में क्या होता है, वहां पर डिस्कशन होता है कि ये बात सही है या नहीं है, ठीक है। तो कोई भी उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है, बोलता है कि ये कैसे किया जा रहा है, कि इसको अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पार्ट है या नहीं है। तो सबसे पहला जो केस गया सुप्रीम कोर्ट में तो वो गया 1960 में, 1960 में जो केस गया इसको बोलते हैं बारूबारी यूनियन केस, इसका नाम याद आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोग राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो ये बारूबारी यूनियन का जो केस था, इसके तहत बात क्या हुई, इसके तहत बात ये निकल के आई, देखिए अगर हम प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा।
प्रीएम्बल क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कोई पावर प्रोवाइड कराता है? अगर प्रीएम्बल को हटाने से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कोई पावर घट सकती है? नहीं घटेगी। प्रीएम्बल को हटाने से क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज वगैरह जो हैं, उन पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो फिर ये माना गया कि जब प्रीएम्बल से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई इंपैक्ट नहीं है और ये अलग से पार्ट है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट क्यों माना जा रहा है? तो जो इस केस के तहत जो कंट्रोवर्सी निकल के आई वो यही निकल के आई कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये तो ऐसे हो गया, हो या ना हो, इसका होना या ना होना बराबर हो गया। तो ये बात बोली गई। तो इस केस के तहत ये डिसाइड हो गया कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये फर्स्ट टाइम केस आया जिसके तहत ये बात निकल के आई। पर लेकिन फिर एक केस ऐसा निकल के आया जो कि जिसने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का फेस ही बदल के रख दिया। ये केस आप लोगों को याद रखना है, केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस 1973 में आया, ठीक है ना। 1973 के याद से मुझे याद भी रहता है, प्रोजेक्ट टाइगर भी इंडिया में तभी स्टार्ट हुआ था। तो एक तरीके से टाइगर केस भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये याद करने का तरीका है, वैसे लिखना नहीं आपको कहीं पे, ओके। तो कनेक्ट कर सकते हैं जहां पे आप लोगों के माइंड में अगर पुराना कोई डेटा हो तो नए डेटा से उसको कनेक्ट कर लिया कीजिए। ये याद करने का सबसे आसान तरीका होता है कुछ भी अगर चीज आपको याद रखनी है तो। तो देखिए ये केस जो आया, इस केस के बाद में क्या हो गया, ये ओपिनियन निकल के आया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रीएम्बल, ठीक है। तो प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है क्योंकि प्रीएम्बल में एक कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा आप लोगों को एक जिस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो जिस तरीके से किसी भी बुक के अंदर कोई प्रीफेस रख देते हैं या फिर एक इंडेक्स टाइप का रख देते हैं, तो ये उस तरीके से है, ठीक है। तो जब ये बात आ गई तो ये निकल के आया कि जब ये पार्ट आप लोगों ने मान लिया है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो फिर ये भी बात निकल के आने लगी क्या इसको अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो फिर ये बोला कि जब जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं तो प्रीएम्बल को भी हम अमेंड कर सकते हैं, तो प्रीएम्बल में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है तो प्रीएम्बल में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। और इस केस के बारे में आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, जिनको पता है सही है, नहीं पता है तो सुन लीजिए ध्यान से। देखिए इस केस जो आया, केशवानंद भारती ऑफ यूनियन का जो केस निकल के आया, इसमें क्या हुआ, केशवानंद भारती के केस में कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से एक ऐसा नया आप लोग बोल सकते हैं डायमेंशन निकल के आई, जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसके ढांचे में कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा हुआ है, तो वो स्ट्रक्चर निकल के आई। तो इस केस में क्या बात निकल के आई सामने कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज तो कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंड तो कर सकते हैं, आर्टिकल किसके तहत, 368 के तहत आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, जब चाहे आप इसमें अमेंड कर सकते हैं। पर एक बात और है इसके साथ में, वो क्या बात है, वो ये बात है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर मतलब मान लीजिए ये घर है, ठीक है ना, ये घर है, तो ये घर की बाउंड्री है, ठीक है। इस बाउंड्री के अंदर आप लोगों ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, ठीक है, कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया कि ये मेरा घर बना दिया हम लोगों ने ऐसा करके। मतलब ये ले लीजिए, इसको ले लीजिए, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये इस तरीके से हम लोगों ने कुछ बना दिया, ठीक है ना, ये इस तरीके से बन गया, और यहां पर आप लोगों ने कोई छत भी रख दी इसके ऊपर, तो ये घर टाइप का बन गया, जो भी हो गया आप लोगों को जो दिख रहा है। तो क्या कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर कुछ भी, यहां टेबल लगा सकते हैं, यहां चेयर लगा सकते हैं, डबल बेड लगा सकते हैं, अंदर दीवार पर कुछ भी कर सकते हैं, जो भी चाहे, यहां पर घड़ी डाल दी दीवार पर लगा के, यहां पर LED डाल दी, LCD डाल दी, फ्रिज रख दिया, कुछ भी कर सकते हैं इस घर के अंदर। पर लेकिन इस घर की स्ट्रक्चर चेंज आप नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आया। मतलब इस घर के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, कबड्डी खेलिए, चाहे इसके अंदर क्रिकेट खेलिए, चाहे वॉलीबॉल खेलिए, पर इस घर की स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन की, बस आप लोग अमेंड कर सकते हैं, तो अंदर का पार्ट इसमें अमेंड कर सकते हैं जो आप करना चाहे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। ये बात एक बात हो गई। इसके अलावा दूसरी बात क्या आती है जो कॉन्ट्रोवर्सी में रहती है, ये आगे आएगी, फिर भी मैं आप लोगों को यही बता देता हूं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये भी आज तक डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर केस टू केस वेरी करती है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगा। अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो डिफाइन करेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या बवाल है और इसको बेसिक स्ट्रक्चर में रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है। कुछ चीजें आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर में बोल सकते हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर हो गया एक तरीके से, मतलब दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से जो अभी हमारा एक बिल क्या एक्टिव बन गया था पूरा अमेंडमेंट चेंज करके, जिस तरीके से पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया NJAC करके, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो वो बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा था, और ये क्या कर रहा था, ये एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर जो जुडिशरी में और एग्जीक्यूटिव में आप लोग बोल सकते हैं, उनमें जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है उसको सही नहीं मान रहा था। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब इनकी अलग पावर है और इनकी अलग पावर है एग्जीक्यूटिव की, तो ये एक तरीके से इनकी इंडिपेंडेंसी को हर्ट कर रहा था।
तो किसने डिसाइड किया ये? सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। तो सुप्रीम कोर्ट केस टू केस डिसाइड करेगा कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है और क्या बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का ऐसा कोई फंडा नहीं है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है और ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के कहां से आया, आप लोगों को याद रखना है, केशवानंद भारती का केस आया 1973 में, उससे ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो अब बात क्या बोली गई, अब बात ये बोली गई कि आप प्रीएम्बल को भी अमेंड तो कर सकते हैं, हमने आप लोगों को पावर दे दी कि प्रीएम्बल को अमेंड करिए, पर लेकिन आप प्रीएम्बल को अमेंड करने के तहत आपको बेसिक स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना है। बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग चेंज नहीं कर सकते, प्रीएम्बल आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आया जिससे आप लोगों को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ये केस था। फिर इसके अलावा एक कोर्स और एक केस और आया निकल के, थर्ड केस था ये था एलआईसी ऑफ इंडिया केस, ये 1995 में, ठीक है। तो जब ये केस निकल के आया इससे तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि प्रीएम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये कंफर्मेशन केस भी आप इसको बोल सकते हैं। पर लेकिन असली जो बेस था वो तो यहां पे डाल दिया गया था, किसके द्वारा, केशवानंद भारती केस के द्वारा, ओके। इसके अलावा देखिए प्रीएम्बल जब पार्ट हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो एक बात फिर वही निकल के आती है, क्या कि अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, वो मैंने आप लोगों को बताया कि उसको अमेंड भी किया जा सकता है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, आगे ये बोल रहे हैं कि प्रीएम्बल भी ऐसे ही है जिस तरीके से कोई अदर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो प्रीएम्बल के बारे में आप लोगों को कोई भी अब डाउट नहीं होना चाहिए माइंड में, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और अमेंड किया जा सकता है। तो दो बात ये हो गई। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं, प्रीएम्बल इज नाइदर द सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, मतलब जो भी लॉ बनाते हैं हमारे यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव है, तो उनके लिए सोर्स ऑफ पावर का भी कोई सोर्स नहीं है यहाँ से, और कोई प्रोहिबिट भी नहीं करता है, मतलब कुछ करने से भी नहीं रोकता है लेजिस्लेचर को, ठीक है। तो इसलिए प्रीएम्बल एक न्यूट्रल बॉडी टाइप का है आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, और नॉन जुडिशियल इन नेचर है। जिस तरीके से हमने फंडामेंटल ड्यूटी देखा था वही थी, इस तरीके से ही आप प्रीएम्बल को बोल सकते हैं, और ये कई इसका कोई इन्फोर्स भी नहीं किया जा सकता कोर्ट के द्वारा, जिस तरीके से फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स किया जा सकता है अगर कोई वायलेट कर रहा है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये कम से कम आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये कई बार पूछ ली जाती है, ओके। तो ये वाला अमेंडमेंट का पार्ट हो गया, मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। तो दोनों आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर और अमेंडमेंट का जो पार्ट है वो केशवानंद भारती केस से ही निकल के आया। तो प्रीएम्बल को पहले बोला जा रहा था कि अमेंड किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, पर लेकिन बाद में निकल के आया कि अमेंड किया जा सकता है, पर लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक फीचर है इसका, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। इसी के तहत ये आप लोगों को याद रखना है 1976 में क्या किया, अमेंड किया गया इसको 42nd अमेंडमेंट के तहत। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि ये इमरजेंसी के टाइम पे था ये, ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा कब लगी थी, 1975 से 77 तक, तो उसके बीच का है, तो इसलिए आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ऑलरेडी अमेंड हो चुका है, और आप लोगों को ये याद रखना है कि ये ओनली एक बार ही अमेंड हुआ है, अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहे माइंड में तो कंफ्यूजन नहीं करना है, ये ओनली एक बार अमेंड हुआ है आज तक, और उसी के तहत क्या किया गया है, सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रेटिव वर्ड ये यूज किए गए हैं प्रीएम्बल में, ऐड किए गए हैं ये, ठीक है ना। तो ये तीन वर्ड अलग से ऐड किए गए हैं, और इस अमेंडमेंट को इस केस के बाद में वैलिड करार दे दिया गया कि अमेंड किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना, उसमें प्रीएम्बल में। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं, काफी फैक्चुअल और काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है, बिना किसी हेजिटेशन के। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, ओके। अब आगे देखते हैं कि इंग्रेडिएंट क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इंग्रेडिएंट मतलब जिस तरीके से मान लीजिए आप खीर बनाने जा रहे हैं, तो खीर में आप लोग काजू डाल रहे हैं या फिर किशमिश डाल रहे हैं, बादाम डाल रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं, तो वो इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे चावल वगैरह, दूध वगैरह, तो जो भी डाल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो पावर कहाँ से मिलती है, तो जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ पे सोवरेनिटी की जब बात आती है, सोवरेन मतलब जो अपना डिसीजन अपने आप ले सकते हैं, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सोवरेनिटी की बात आती है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है, ना कि हमारी पार्लियामेंट सोवरेन है। और ये सोवरेनिटी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर दी जाए तो क्या हो जाए, तो यहाँ पावर जो निकल के आती है वो किससे आती है, पीपल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सिटीजन ऑफ इंडिया से निकल के आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पावर। तो सोर्स क्या है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है। नेचर देखिए, यहाँ पे नेचर बात की गई है इंडियन स्टेट का कैसा होना चाहिए, तो सोवरन होना चाहिए, बाहर वाली कोई भी ताकत यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए और सेक्युलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए और रिपब्लिक होना चाहिए, पॉलिटी, ये वर्डों को मैं अच्छे से अभी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्या क्या होने चाहिए, तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, और ये यहाँ पे डेट दे रखी है। और यहाँ पे अगर और अच्छे से आप लोग देखना चाहे तो यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, ये देखिए ये ज्यादा बेटर यहाँ पे समझ में आ रहा है। सोर्स क्या क्या है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया ये सोर्स है जहां से निकल के आया, ठीक है। नेचर जो है इंडियन स्टेट की क्या है, ये एक तरीके से सोवरन होना चाहिए, ठीक है ना, सोशलिस्ट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए।
तो ये होना चाहिए। इसके बाद में क्या है, जस्टिस कितने टाइप के होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर देखा जाए तो जस्टिस कितने टाइप के रखे गए हैं, तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे जस्टिस रखे गए हैं। आगे क्या बोला गया, लिबर्टी की, पांच तरीके की लिबर्टी यहाँ पे, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये लिबर्टी आप लोग जब चाहें इनको कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इक्वलिटी क्या है, स्टेटस की इक्वलिटी है और अपॉर्चुनिटी भी सबको एक साथ मिलती है, जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट वगैरह में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। ओके, रिजर्वेशन अलग चीज है, कभी यहां पर कमेंट करने लोगों की रिजर्वेशन मिलता है, भेदभाव हो गया, भेदभाव नहीं है वो, ठीक है। वो एक तरीके से जो दूसरे तबके के इंसान है, अगर उनको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे लाने के लिए वो इसलिए दिया जाता है, वो एक सपोर्ट सिस्टम है, तो प्रोग्रेसिव स्टेप है, ना कि वो नेगेटिव स्टेप है। ओके, फर्टर्निटी मतलब भाईचारे का एक तरीके से भाव देखने को मिले, तो किस तरीके की डिग्निटी इंडिविजुअल की रहती है और इंटीग्रिटी नेशन की बना के रखनी है और यूनिटी के साथ में हम लोगों को रहना है। और ये हो गई डेट ऑफ अडॉप्शन, भी कई बार पूछ ली जाती है, क्या है वो, 26 नवंबर। तो आप लोगों को याद रखना है 26 नवंबर को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट नहीं किया था, कुछ पार्ट और कुछ आर्टिकल ही हमने अडॉप्ट किए थे, बाकी का जो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन हमने कब किया था, वो किया था 26 जनवरी, ठीक है ना। तो इसको याद रखना आप लोगों को, तो 26 नवंबर आए तो उसको याद मत रखना, तो 26 जनवरी 1950 में इसको अडॉप्ट किया था, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। ओके, एक्सेप्टेंस तो फिर वही है कि हमने अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, हमको किसी और ने नहीं दिया है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपको यहाँ पर प्रीएम्बल का एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ओवरव्यू मिल गया, तो क्या क्या हमारे प्रीएम्बल में है, तो आप लोगों को इसका पूरा आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ वर्ड समझ लेते हैं एक एक करके आराम आराम से। तो यहाँ पे 9 वर्ड है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला है सोवरन, वैसे पहले भी हम लोग कर चुके हैं पर फिर से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो सोवरेनिटी का मतलब क्या है, सोवरन का मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कोई भी हेड नहीं है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन टॉप पर है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो जो भी पावर निकल के आती है, लेजिस्लेटिव की, जुडिशरी की, सबकी पावर, जो हमारे जो राइट्स हैं, वो सारे कहां से निकल के आते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आते हैं। तो सोवरन है हम, ठीक है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपर है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है, तो सोवरेनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं, ठीक है। वैसे देखिए हम लोग मेंबर किसके हैं, कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं या फिर यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, तो इससे मेंबर होने से हमारी सोवरेनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि हम जो भी अपने डिसीजन लेते हैं वो अपने आप लेते हैं, ना तो कॉमनवेल्थ और ना ही यूनाइटेड नेशन हमको आके ये बोलता है कि आपको अपना डिसीजन इस तरीके से लेना चाहिए, ये सजेशन देते हैं ओनली। इनका क्या रहता है, खुद के अपना ये बनाते हैं सजेशन टाइप का, उससे सारी कंट्री एक प्रेरणा ले सकती है, पर लेकिन ये किसी पे थोपते नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं, पर लेकिन ये थोपते नहीं है कुछ भी। तो डिसीजन रहेगा हमारा सोवरन डिसीजन है, कोई कुछ भी नहीं करेगा उसमें। ओके, ये मतलब हो गया सोवरेनिटी का। सेकंड जो मतलब हो गया वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, एक तरीके से वेलफेयर स्टेट, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ करना, ठीक है। तो हमारा अगर आप लोग देखने को मिले, हमारे यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है और एक तरीके से पब्लिक भी है, ठीक है ना। तो प्राइवेट जो होती है हमारे यहाँ पे क्या हो गया, प्राइवेट जैसे हमारी खुद की है, जमीन जो है हमारे यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम सबकी खुद की जमीन है, ठीक है ना। और वैसे गवर्नमेंट भी काम करती है, इसलिए हमारी इकोनॉमी क्या है, आप लोगों ने सुना होगा मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो मतलब हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है और हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट भी, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो हमारी जो जितने भी जो सोशल वेलफेयर की स्कीम वगैरह है, वो कौन चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है। तो इसीलिए जो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो गांधीयन कॉन्सेप्ट निकल के आता है वेलफेयर का कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आता है, मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ किया जाता है। तो सोशलिस्ट वर्ड आप लोगों को पता ही है कब ऐड किया गया, 42nd अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया। तो इस तरीके से सोशलिस्ट भी आप लोगों को याद रखना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सोशलिज्म के बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन है, सबको मिलके मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे यहाँ पर है। और इसके अलावा जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी लिबरल की गई, 1991 का जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद होगा, तब क्या हुआ, उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी ओपन कर दी गई थी, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो सब कुछ यहाँ पे आ गया था उस टाइम पर, ठीक है। तो ये कब निकल के आया, ये निकल के आया 1991 में, तो ये भी सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट के तहत ही निकल के आता है, अपनी सोसाइटी को और ओपन करना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहता है, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ये हो गया हमारा किसका कॉन्सेप्ट, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट। तो दो कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो गए। नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला है सेक्युलर। इसके ऊपर तो मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, तो रिलीजन वर्सेज कॉन्स्टिट्यूशन करके मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप लोग वहां पे भी देख सकते हैं। वैसे सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट ही निकल के आता है कि किसी भी धर्म को यहां पर फॉलो किया जा सकता है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को यह भी याद रखना है, प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, मतलब प्रोग्रेसिव है हमारा सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट। क्यों, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सेपरेट नहीं है रिलीजन से, उसको प्रमोट करती है, एक तरीके से उसको सपोर्ट करती है। जिस तरीके से अगर कोई घूमने जा रहा है किसी यात्रा पर, तो उसको अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे हमारी गवर्नमेंट पीछे खड़ी होती है हमेशा। ऐसा नहीं है आप लोग कुछ भी करते रहो, गवर्नमेंट बिल्कुल पास में नहीं आएगी आपके। तो प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो वेस्टर्न कंट्री का है वो है नेगेटिव, ठीक है ना। तो हमारा प्रोग्रेसिव
जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये तीन बहुत ही अच्छे प्रोविजन है, खासकर कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वाला कौन सा है हमारा, ये है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, मतलब हमारी जनता सुप्रीम है, वो अपने आप चुनती है अपने नुमाइंदों को वोट देने के बाद में। देखिए दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है, एक तो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है ना। जिस तरीके से कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी का निकल के आता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह हो गया या और कई सारी कंट्री है, वहां पे क्या होता है रेफरेंडम वगैरह होता है। रेफरेंडम मतलब जनता से पूछा जाता है कि ये सही है या गलत है, तो वो होती है डेमोक्रेसी, मतलब हर एक बात जनता से पूछना है। जिस तरीके से जब मैंने आप लोगों को ये इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इकोनॉमिक सर्वे में एक, जिसका नाम था यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि हर एक इंसान को एक बेसिक इनकम देनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, जब हम लोगों ने वो कॉन्सेप्ट देखा तो उस कॉन्सेप्ट में क्या निकल गया, उस कॉन्सेप्ट में ये निकल के आया कि एक तरीके से जो यहाँ पर उससे स्विट्जरलैंड में पूछा गया कि आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो वहां की जनता से डायरेक्ट पूछा गया, तो जनता ने मना कर दिया कि हमको नहीं चाहिए, अगर हमको यूनिवर्सल बेसिक इनकम दी गई तो हम निठल्ले हो जाएंगे और काम करना बंद कर देंगे। तो ये होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे वाली है, मतलब हम क्या करते हैं, अपने यहां से एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनकर भेजते हैं और फिर वो हमारे बिहाफ में जाकर पार्लियामेंट में काम करते हैं। हम पार्लियामेंट में जाके नहीं बोलते हैं, हमारे बिहाफ में ये जाके पार्लियामेंट में बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो दो तरीके की, इस तरीके से आप लोग डेमोक्रेसी बोल सकते हैं नॉर्मल इस तरीके से। तो ये दो तरीके की डेमोक्रेसी होगी। तो ये हो गई हमारी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन एक तरीके से, ठीक है ना। एक बात और बोल सकते हैं जो कि भीमराव अंबेडकर जी ने भी बताई थी कि हमारी जो हमारी डेमोक्रेसी है वो तीन बेस के ऊपर यहां पर निकल के आती है, लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो हम लोगों के पास में, सबके पास में लिबर्टी है और इक्वलिटी है जब हम जब भी इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी काफी अच्छी एक प्रोग्रेसिव थॉट ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो हमारी डेमोक्रेसी काफी अच्छी है, आप लोगों को ये ट्रिनिटी भी बोल देते हैं इसको, लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। तो आप लोग कुछ बातें याद रख सकते हैं, कई बार इस तरीके की बातें पूछ ली जाती हैं, ओके। और भारत को एक रिपब्लिक इंडिया भी बोलते हैं एक तरीके से, आप लोग देख सकते हैं कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो वो भी यहीं से ही निकल के आता है डेमोक्रेसी के बेस पे, ठीक है। अब रिपब्लिक क्या है, अब इसको देख लेते हैं हम लोग कि रिपब्लिक का भी कुछ ना कुछ तो बनता ही होगा जिस तरीके से डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बन रही है। तो जो ये रिपब्लिक वाला कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी में से ही निकल के आता है एक तरीके से देखा जाए। डेमोक्रेसी एक तो मैंने आप लोगों को बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और दूसरे तरीके की भी डेमोक्रेसी होती है। एक तो होती है मोनार्क वाली जो कि यूके में है, वहां पे क्या होता है जो हेड है वहां पे वो कौन होता है, वो हेड होता है वो एक तरीके से हेरिडेटरी, मतलब पहले राजा था फिर उसका बेटा बन गया फिर उसका कोई और बन गया, तो इस तरीके से उसके चाचा बेटा भतीजे चाऊ जो भी बनते हैं मतलब सब बनते रहते हैं वहां पर, तो ये हेरिडेटरी बोलते हैं इसको। पर लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर एक तरीके से रिपब्लिक है, मतलब जनता के द्वारा चुना हुआ हेड है, तो उसको रिपब्लिक डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो इस तरीके से दोनों वर्ड जुड़े हुए हैं, तो दोनों में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। जो हेड है हमारे यहाँ पर वो रिपब्लिक है, मतलब वो चुना गया है जनता के द्वारा, हालांकि इनडायरेक्ट वे में चुना गया है, हमारे एमएलए और एमपीज के द्वारा चुना गया है। जिस तरीके से 14 प्रेसिडेंट के इलेक्शन चल रहे हैं आज, तो इसी तरीके से क्या होता है, ये हमारा जो रिपब्लिक है वो किसके द्वारा चुना जा रहा है, हमारा जो रिपब्लिक हेड है वो एमपी और एमएलए के द्वारा चुना जा रहा है, जैसे आज इलेक्शन हो रहे हैं 14 प्रेसिडेंट के। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे रिपब्लिक हेड है ना कि मोनार्क हेड है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट कहीं का निकल के आ गया, ये आ गया रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट। इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं हमारे यहाँ पे, ये आप लोगों को याद रखना है। और जबकि अगर यूएसए में देखा जाए तो यूएसए में क्या काम होता है, यूएसए में डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, मतलब जो वहाँ पे प्रेजिडेंट है तो हमारा प्रेजिडेंट क्या होता है डायरेक्टली इलेक्टेड जाता है जनता के द्वारा, पर हमारा प्रेजिडेंट डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, ओके। ये इनडायरेक्ट वे में चुना जाता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब तीन तरीके के जस्टिस हैं हमारे इसमें, हम लोगों ने देखे थे अभी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और तीसरा था पॉलिटिकल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस का क्या मतलब है कि देखिए एक तरीके से हमारी सोसाइटी जो है वहां पे रिलीजन, कास्ट या फिर रंग के भेद पे या फिर बर्थ प्लेस के बेस पे, तो ये जो इस तरीके की सिचुएशन होती है इनमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, मतलब सेक्स, रिलीजन, रेस, कास्ट या फिर कलर के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है और सबको मिलकर रहना है एक दूसरे के साथ में, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर जस्टिस हो गया, सोशलिस्ट जस्टिस। इकोनॉमी के बेस पे ये नहीं देखना है हमको, ये अमीर है ये गरीब है, तो सबको इक्वल मानना है एक तरीके से। तो ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी की बात आ जाती है यहाँ पे, मतलब जिस तरीके से इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात आती है उसको भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमीरों को जॉब मिलेगी गरीबों को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके की बात की जा सकती है। जब पॉलिटिकल जस्टिस की बात आती है तो जिस तरीके से राइट की बात आती है, सबको इक्वल राइट मिलने चाहिए, वोटिंग राइट जिस तरीके से होता है, ऐसा नहीं है कि अमीरों को ज्यादा मिलेगा गरीबों को ज्यादा मिलेगा। तो ये सारे जस्टिस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो तीन तरीके के जस्टिस आते हैं हमारे यहाँ पर। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है इस तरीके के क्वेश्चन भी कि जस्टिस किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनबिल्ट है। तो ये तीन तरीके के जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनबिल्ट है, ओके।
अच्छा आगे जो तीन वर्ड दे रखे हैं, ये तीन वर्ड दे रखे हैं लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, पहले तो ये बताइए आप लोग ये तीनों वर्ड किसके कॉन्स्टिट्यूट, मतलब किस कंट्री से हमने लिए हैं ये बताना है आप लोगों को। मतलब किस कंट्री से आप लोग बोल सकते हैं, मतलब एक रिवॉल्यूशन भी उसके नाम पर काफी फेमस रहता है कि उस रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं, आप लोग कंट्री बोल सकते हैं किस कंट्री से लिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये कई बार आप लोगों से पूछा जाता है क्वेश्चन भी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो मैं आप लोगों को ऑप्शन भी दे देता हूं, जिस तरीके से अमेरिकन रिवॉल्यूशन होता है या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है या फिर रशियन रिवॉल्यूशन होता है या चाइना रिवॉल्यूशन होता है, चाइनीज रिवॉल्यूशन, तो किस तरीके से किसके रिवॉल्यूशन से ये लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी वाले तीनों वर्ड लिए गए हैं, ठीक है ना। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, कहीं भी घूमो किसी भी तरीके से, आप लोगों को कोई छेड़ देख नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप लोगों कुछ भी कर सकते हैं, एक तरीके से फ्रीडम ऑफ थॉट भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। इक्वलिटी का मतलब यही है कि सब इक्वल है, कोई आप में भेदभाव नहीं करेगा किसी भी कास्ट रंग के भेदभाव पर या फिर अपॉर्चुनिटी के बेस पर, जिसकी किसको इंप्लॉयमेंट देना है किसको देना है, कोई भी भेदभाव यहाँ पर नहीं होगा। तीसरा है फर्टर्निटी, फर्टर्निटी का मतलब वही निकल के आता है भाईचारा, कि एक दूसरे से मिलजुल कर रहना है और एक कंट्री को यूनाइट कंट्री रखना है, तो ये फर्टर्निटी के यहाँ से आता है। देखिए हमारी जो सोसाइटी है एक हेटरोजेनस सोसाइटी है, मतलब हमारे यहाँ पे दुनिया भर के रिलीजन है, वही बात निकल के आती है कि कोस कोस पे बदले पानी सवाब, कोस पे बानी, तो ये कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री में निकल के आता है। तो सबको मिलके अगर रहना है, सबको यूनाइट अगर रखना है, जो आप लोगों ने वर्ड भी सुना होगा यूनिटी, वो यूनिटी इन द डेमोक्रेसी करके, सॉरी डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी नहीं, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी करके भी आप लोगों ने कई बार वर्ड सुना होगा ये, तो ये इस तरीके की भी इसीलिए वर्ड बोले जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे यूनाइट मिलके सब लोग रहते हैं, इतने सारे रिलीजन है, इतनी सारी लैंग्वेज है, इवन टोटल 22 लैंग्वेज तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही रखी गई है, ठीक है ना। तो किस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के रखी हुई है कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर बताइए। तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखिए काफी अच्छा बन जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आप लोग जितना जाने उतना कम है, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करिए, और इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं पढ़ना है, आप लोगों को वैसे भी पढ़ना है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमको इसके बारे में सीखना है। तो इस तरीके की भावनाएं आप लोगों को रखनी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो आज के लेक्चर में इतना ही, पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और देखिए आप लोगों को पीडीएफ जो यहाँ पर मिल जाएगी और ये यहाँ पर भी मिल जाएगी, दोनों के लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर कोई भी सजेशन आप लोग देना चाहते हैं, आप लोगों को लेक्चर में किसी भी तरीके से कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और देखिए चीज़ें अगर पसंद आती है तो फेसबुक पर आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि दूसरों तक भी पहुंचे। कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे नहीं देखना है, पढ़ाई के तौर पर हमारे दूसरे सिटीजन को भी इसके बारे में जानने का, सीखने का मौका मिलेगा, तो उस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो शेयर किया कीजिए, इससे आप लोगों का रिविजन भी हो सकता है अच्छे से, और अपने आसपास सफाई रखिए और पानी जितना हो सकता है सेव कीजिए, पानी ज़्यादा बेकार नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।